वेलकम टू डिडक्टिक क्लासेस बेटा, आज हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अपने सीटेट के लिए और जो भी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं टेट के उनके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन और ये जो टॉपिक है वो हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म से रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक बार अगर आप ये पूरा का पूरा करते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे उन एग्जाम्स में, ठीक है। अब फटाफट हम करते हैं। Why ऋषभनाथ also called आदि ब्रह्मा? तो भाई इसलिए कहलाए जाते थे क्योंकि उन्होंने पहली बार, he was the first person who or the first तीर्थंकर who tell मोक्ष मार्ग, उन्होंने मोक्ष मार्ग के बारे में बताया था। अच्छा, सेकेंड आता है हमारा, which of the following text was not composed by अश्वघोषा? तो अश्वघोषा की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कंपोज नहीं किया था? तो आंसर है हमारा अभिधर्म मोक्ष, ठीक है, ये था जो इन्होंने कंपोज नहीं किया था। बाकी चीजों इन्होंने कंपोज की थी। लाइट ऑफ एशिया के बारे में हम बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज आल्सो नोन एज अ लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया को हम कनेक्ट करते हैं गौतम बुद्ध से, और अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो ललित विस्तारों को हम लाइट ऑफ एशिया से जानते हैं या बोलते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन 563 BC इन विच क्षत्रिय फैमिली? तो भाई फैमिली का नाम था, या फैमिली जिस ग्रुप से थी, क्लैन से थी, उसको हम शाक्य क्षत्रिय फैमिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ग्रेट बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा विक्रमशिला वर पेट्रोनाइज बाय दी? तो ये पेट्रोनाइज थे इसके पेट्रन से, पालाज, मतलब ये लोग वही थे जिन्होंने इन यूनिवर्सिटीज को बनवाया। बुद्धिज्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? तो भाई किसके रीजन में हमारा बुद्धिज्म नेपाल में स्प्रेड हुआ? तो हम आंसर बोलेंगे वो था हमारा अशोका। नेबरिंग स्टेट जितने भी थे, अगर बुद्धिज्म को किसी ने स्प्रेड किया तो वो अशोका ही था, ठीक है, अशोका द ग्रेट एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ ऑफ बुद्धिज्म? तो बिलीफ ऑफ बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज, बिल्कुल सही बोल रहा है। पीपल सफर ऑन द अकाउंट ऑफ डिजायर, बिल्कुल सही है, बी भी सही है। और सी इट डिजायर और कॉन्कर्ड निर्वाण विल बी अटेंड, बिल्कुल सही है। अगर डिजायर पे काबू हम पा लें, इच्छा पे काबू पा लें, तो हम निर्वाण अटेंड कर सकते हैं। तो तीनों कमेंट सही है, बट द थर्ड वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा बच्चे 3, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, इन विच प्लेस गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन? तो सर्मन इट मीन्स पहला उपदेश, बेसिकली उन्होंने कहाँ दिया था? तो हम कैसे भूल सकते हैं, बनारस में सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनास वर्स, तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऋषभ। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो हमारे थे ऋषभ, एंड लास्ट जो थे हमारे वो थे हमारे स्वामी महावीर। Where the first Buddhist council held? तो फर्स्ट कॉज जो हमारी बौद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी, ना तो वो गया में हुई थी, ना तो पाटलिपुत्र में, ना तो राजगीर में, हाँ ना तो पाटलिपुत्र, गया और कश्मीर में नहीं हुई थी, ये हुई थी राजगीर में, ठीक है, ये हुई थी राजगीर में हेल्ड फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। अब हम यहाँ पे 11th में आएंगे, और 11th है इन विच लैंग्वेज बुद्धा प्रीस्ट? तो बुद्धा प्रीस्ट इन पाली लैंग्वेज, बुद्धा प्रीस्ट इन पाली लैंग्वेज, ठीक है, पाली उनकी भाषा थी, पाली में उपदेश करते थे ताकि हर कोई समझ सके। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा? वो कोई भी बता सकता है, आंसर है एनलाइटमेंट वन, ठीक है, बुद्धा इट मींस एनलाइटमेंट वन, एनलाइटेंट, जो प्रकाश, ज्योतिर्मय, ठीक है, अद्भुत। Which is the ultimate goal of education in Jainism? अच्छा, अगर हम 13 की बात करें तो 13 का आंसर हमारा मोक्ष है। Ultimate goal of education in Jainism is मोक्ष, ठीक है, मोक्ष। Now next one is यहाँ पे आएगा, गौतम बुद्ध as a prince was known as, भाई जब ये राजकुमार हुआ करते थे तो इनका नाम क्या था, किस नाम से जाने जाते थे? तो भाई इनको हम सिद्धार्थ बोलते थे बचपन में, ठीक है। अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बौद्धिश मॉन्क कॉल्ड, जिनका नाम था उपा
गुप्ता, रूपा गुप्ता। आप देखते रहिए कि आप कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। द मोनोलिथिक इमेज ऑफ जैन सेन गोमतेश्वरा इज एट, तो ये वो प्लेस है जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी और वो प्लेस का नाम है सर्वना वेल गोला, ठीक है। अच्छा, साउथ में है। Who among the following rulers had Empress Jainism? तो Jainism को adopt करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, जो हमारे इंडिया के, ancient इंडिया के हिंदू first emperor हुआ करते थे। Who among the following king was cut down the Bodhi tree in the second century? तो भाई Bodhi tree को काटने, Bodhi tree वही tree है जहाँ पे गौतम बुद्ध enlightened हुए थे। और अगर हम इस ट्री को कटिंग की बात करते हैं तो ये ट्री को काटने वाले कोई और नहीं, पुष्यमित्र सुंगा और किंग शशांक का हुआ करते थे, जिन्होंने बोधी ट्री को कट किया था। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चे वो हमारा ए है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बौद्धिस्ट? तो 19 का आंसर धर्मपाला, हमें पता है भाई धर्मपाला वो रूलर थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, बनाया था। हु अमंग वर नॉट द डिसिपल ऑफ बुद्धा? तो बुद्धा के जो डिसिपल थे वो सबको ही थे। शुद्धोदन उनके फादर का नाम था और राहुल उनके बेटे का नाम था। तो उनके जो डिसिपल थे वो आएगा यहाँ पे सी पार्ट, यहाँ पे हम 20 का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। Which of the Kushanas ruler patronized Buddhism? None other than Kanishka. इसका आंसर आएगा हमारा Kanishka, बहुत बड़ा patron था वो Buddhism का। अच्छा, the word Jaina came from या comes from the term? तो इसका आंसर है बेटा हमारा 22 का सी, हम यहाँ पे बात करेंगे जीना की, ठीक है। Some Zoroastrian जो थे हमारे वो माइग्रेट हुए फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन। तो ये लोग कहाँ के थे भाई? तो ये लोग थे हमारे गुजरात से और महाराष्ट्र से, गुजरात से और महाराष्ट्र से। वर्धमान महावीरा द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज बॉर्न एट, तो जो वर्धमान थे बेसिकली उनका जो बर्थ था वो कुंडुग्राम में हुआ था और इनको डाइट जो मृत्यु हुई थी वो पावा में हुई थी। तो यहाँ पे हम सी करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे सी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हूज रेन डिड द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट ब्लूज्म? तो बच्चे इसका आंसर जो है वो कनिष्का ही है, गंधार आर्ट के लिए बहुत ही फेमस पीरियड था इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पाथ हैव बीन सजेस्टेड बाय बुद्धा? तो इट्स वेरी फेमस पाथ, एटफोल्ड पाथ, अष्टमार्ग हिंदी में हम इसे बोलते हैं। द बुद्धा अटेन निर्वाण एट, भाई कहाँ पे इनको निर्वाण मिला था यानी मोक्ष मिली थी, मृत्यु हुई थी जहाँ पे उनकी, कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। अच्छा, बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गना, वही गन बोलो, क्लैन बोलो, ग्रुप बोलो, तो शाक्य गन हुआ करता था, ठीक है। आगे, वेयर डिड बुद्धा टीच फॉर द फर्स्ट टाइम? प्रीच्ड हो गया, फर्स्ट टाइम टीच हो गया, सर्मन वर्ड यूज हो गया, देन द आंसर इज सारनाथ। द फेमस इंडो ग्रीक किंग, हियर इज किंग, वो किंग लिखा हुआ है, इट्स अ टाइपिंग एरर, हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वाज, इसका आंसर जो है वो होगा हमारा मेनेंडर, ठीक है, इसका आंसर है मेनेंडर। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा, द बुद्धा हैज बीन यूलोजिस्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड द कंपैशन इन व्हिच बुक? तो यहाँ पे हम बोलेंगे अमारा कोसा में ये चीज का वर्णन हमें दिखता है, मिलता है, जहाँ पे उनको इन सब के रिलेट किया गया था। अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैनास फॉर द सेक्रेट बुक इज कॉल्ड अंगास, कई जगह अमग्स लिखा हुआ है पर नहीं, ये अंगाज होते थे 12। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर आर कंटिन्यूड इन द मैक्सिम गुड डैश एट द गुड डैश, सो हियर आवर आंसर इज बी, गुड थॉट, गुड वर्ड, गुड डीड्स, राइट। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, आगे एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था भाई? उनका बोधगया में हुआ था। फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। फर्स्ट सभा कौन सी थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। तो अब इन जैन लिटरेचर विच वाज द फॉलोइंग तीर्थंकर इज आल्सो नोन एज प्रजापति, आदि ब्रह्मा एंड आदिनाथ,
अगर हम इसकी बात करें किनको हम आदिनाथ, आदि ब्रह्मा, प्रजापति के नाम से पुकारते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही था और हम कोई और नहीं, उनका नाम था ऋषभ नाथ, ठीक है, हम इन्हें आदिनाथ भी बोलते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा बेटा, टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग। वो देखो दुखा, यहाँ पे गणराज्य वर्ड आ गया, अगेन हमें पता है भाई, नन अदर देन शाक्य गणराज्य, शाक्य क्लैन, शाक्य ग्रुप, शाक्य ट्राइब, कुछ भी आप बोल सकते हैं। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट आर वेरी सिमिलर टू दस ऑफ, भाई किस कि जो इनकी जो प्रैक्टिसेस थी, जो अवेस्ता की जो लैंग्वेज है वो किससे मिलती जुलती है, तो आंसर है हमारा वेदास। नाउ नेक्स्ट, आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन श्रीलंका, जहां पे संघमित्रा और महेंद्र को अशोक ने भेजा था, जो उनके ही बच्चे थे। Which among the following the great Bodhisattva work consisting of a dialogue between Indo-Greek Menander and the Bodhisattva philosopher Nagasena? तो किसने ये बातें, अगर हम बात करते हैं डायलॉग्स को, बनाया था दोनों के बीच में, नागसेना जो बौद्धिस्ट फिलोसोफर थे और जो ग्रीक किंग थे मेनेंडर, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा मिलंदा पानहा, ठीक है, मिलंद पाना इज अ राइट आंसर। चलो आगे देखेंगे, पाणिनि हु प्रिपेयर्ड अ व्हाट इन संस्कृत, तो इसका आंसर आएगा ग्रामर। पाणिनि का जो बेसिकली मतलब वेरी ग्रेट स्कॉलर और यू कैन से दैट अ ग्रेट ऋषि, जिन्होंने ग्रामर की रचना की थी, ठीक है। इन विच ट्री डिड बुद्ध गेन एनलाइटमेंट, तो बार बार हम बोल रहे हैं भाई पीपल ट्री का होता था, जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो एनलाइटेड हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल कार्व ऑन द सारनाथ पिलर पे, भाई आपको एलिफेंट दिख जाएगा, हाँ बुल दिख जाएगा, हॉर्स दिख जाएगा, लेकिन जो डियर है, डियर नहीं है इसका पार्ट, तो डियर को हम करेंगे कट, हो जाओ कट, यस। नेक्स्ट आता है हमारा, द फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा वॉज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, फर्स्ट टाइम जो बुद्धा की जो इमेज थी वो कार्व हुई थी कनिष्का फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, बुद्धिज्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाउइंग टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड, एंड दे वर, किन दो सोसाइटीज को इन्होंने अलाउ किया था, तो हम इसका आंसर बताएंगे डी, वुमेन एंड शूद्रास की बात कर रहे हैं, जो काफी हद तक इन सब चीजों को इन लोगों ने अडॉप्ट किया, ठीक है। हाउ मेनी आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, वैसे तो बेटा अभी जस्ट मैंने भी आप लोग बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आश्रम्स की अगर हम बात करें तो आश्रम्स हमारे 5 हैं 4 हैं, कितने, तो इट्स वेरी सिंपल, आश्रम हमारे 4 ही थे, स्टार्टिंग फ्रॉम गृहस्थ आश्रम, देन ब्रह्मचार्य आश्रम, देन आता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, देन आता है हमारा संन्यास आश्रम, तो टोटल हमारे 4 ही यहाँ पे आएगा। इसका बी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। विच मीन्स अप्रोचिंग द सिटिंग नियर, तो हेयर यहाँ पे हमारा आएगा, मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो उपनिषद्स, यहाँ पे आंसर आएगा उपनिषद्स। फिर द लैंग्वेज अडॉप्टेड फॉर प्रीचिंग इन मलयालम बुद्धिज्म वॉज, तो अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा महायान में जब इन लोगों ने कुछ को लैंग्वेज अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म का, ये सेक्टी था, तो वो लैंग्वेज कौन सी थी, तो 47 का आंसर हमारा संस्कृत आएगा, महायान की, हीनयान और महायान थी इनकी आइडियोलॉजी, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना इस चीज को, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, यस इट इज। द प्रोसीडिंग ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द इशू ऑफ एडिक्ट, अब अगर हम बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये होगा इसका आंसर 48B, सारनाथ, ठीक है, आंसर है हमारा सारनाथ, ओके। नाउ 49 की अगर हम बात करें, तो 49 इट मींस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट पूछा, इंक्लूडेड इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, तो 49 में हमारा डी ही आएगा, ठीक है, जो त्रिरत्न में नहीं शामिल है, तो यहाँ पे राइट फेथ, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका डिस्क्राइब्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा? देन द आंसर इज, ये आएगा हमारा रॉक एडिक्ट 13, यस नंबर 13, 13। राइट, यहाँ पे हमने किए हैं 50 क्वेश्चन और अब यहाँ पे आपको थैंक यू बोलेंगे और सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िए और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे हम कल ही, बल्कि कल ही इस चीज को मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।